देखते हैं किसकी जिद ज्यादा टिक पाएगी। मुझे तो नहीं लगता रक्षम भैया की जिद हमारे परिवार के सामने टिक पाएगी। आप लोग जैसे यहाँ पे आए उसी तरह यहाँ से निकल जाओ। गट्टू भैया, इस मोहल्ले में जितने भी कमरे थे वो सब मैंने रेंट पे ले लिए। मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई और कमरा मिलेगा। आप सब यहाँ रहना चाहते हैं, रहो। जहाँ जगह मिले वहाँ रहिए। मैं भी देखता हूँ ये ड्रामा कितने घंटे तक चलता है। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। डंटन जायज़ की जरूरत नहीं होती ना, बस सीधा आके टपक पड़ता है। पुरानी आदत है। हेमा मालिनी ने भेजा है, उनको ऐसा लगा कि रक्षम के बाद सब कुछ नहीं होगा। हाँ यार मोनू, बेस्ट हो तुम। बेस्ट नहीं, बेस्टेस्ट।